सभी फैमिलीज जिनके घर में रेगुलर मेडिसिन आती हैं, अगर हर महीने 80% तक की बचत उनके मंथली बिल में हो जाए तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो लोगों को भरोसा हो रहा है यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ डेफिनेटली, और ये आने वाले टाइम में आई थिंक कमिंग 4 to 5 years ये दिस इज गोइंग टू रिप्लेस द बैंडेड मार्केट। अगर मेरे को वही मेडिसिन जो है मुझे क्योर कर रही है 200 रुपये में, मैं क्यों 1000 रुपये की मेडिसिन लूँगा। हाँ जी, 500 मीटर रेडियस की एरिया मोनोपोली मिलती है, 40% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, कंपनी आपको बहुत सारा सपोर्ट देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पहले इसका वीडियो अपने चैनल पर डाला था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उनमें से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई कि मैं आपको कोई लाइव स्टोर दिखाऊं, कोई चलता हुआ फार्मेसी स्टोर दिखाऊं। तो सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर आज मैं गाजियाबाद आया हूं, जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं जेनरिक आधार। दोस्तों इस फार्मेसी स्टोर पर आज मैं आपको बहुत सारी स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूं इस पूरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, कितने आप पैसे कमा सकते हैं, इस बिज़नेस की शुरुआत क्या हुई और क्या खास बात है इस बिज़नेस में। दोस्तों सबसे पहली बात, आप कोई भी बिज़नेस करें, सबसे अच्छा बिज़नेस वो होता है जिसे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, लोगों की डिमांड भी है और साथ ही साथ जो बिज़नेस बहुत ही डिमांडिंग हो। तो जेनरिक आधार कि जेनरिक मेडिसिन एक ऐसा ही प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर मैं जेनरिक आधार की स्पेसिफिकली बात करूं तो दोस्तों ये मेडिसिन सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आया है, और ना कि सिर्फ क्रांति लेकर आया है बल्कि आज के दिन 150 से ज़्यादा शहरों में 1500 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जेनरिक आधार बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब दे रहा है। ये तो एक बात है, इसके अलावा दोस्तों ये अपने ग्राहकों को जो मेडिसिन लेना चाहते हैं उनको 80% तक की बचत देता है और फ्रेंचाइजी ओनर के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देता है। तो दोस्तों सबसे खास बात इस बिज़नेस की क्या है, वो सभी लोग, वो सभी फैमिलीज जिनके घर में रेगुलर मेडिसिन आती हैं, अगर हर महीने 80% तक की बचत उनके मंथली बिल में हो जाए तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन गया। अगर हर महीने आप 4000 की दवाई भी ले रहे हैं, 80% की बचत हो रही है, मतलब कि अगर मैं बोल लूँ आपकी 3000 रुपये महीने की बचत भी हो रही है, तो 3000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपको करके दे रहा जेनरिक आधार। और इसीलिए आज लोग जेनरिक मेडिसिन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन मांगते हैं, सब्स्टिट्यूट्स मांगते हैं। तो दोस्तों इस बिज़नेस को कैसे शुरू करें, क्या ये पूरी अपॉर्चुनिटी है, ये जानते हैं अंदर, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस बिज़नेस के बारे में और भी बहुत सारी खास बातें। तो आइए पहले हम स्टोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ हम जानते हैं इस पूरी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आया हूँ जेनरिक आधार फार्मेसी स्टोर में। हम लोग स्टोर के अंदर आ चुके हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ जेनरिक आधार के बारे में। दोस्तों जेनरिक आधार जिसके कि फाउंडर हैं अर्जुन देशपांडे जी ने इस बिजनेस की शुरुआत मात्र 16 साल की उम्र में कर दी थी, और आज इस ब्रांड की 150 से ज्यादा शहरों में 1500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10,000 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। दोस्तों ये तो एक बात है। दूसरी बात, अगर हम बात करें जेनरिक मेडिसिन के बारे में, तो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, तो वो भी जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे सोच यही है कि लोगों का मेडिसिन बिल कम किया जाए, और आज के दिन जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो भी पूरे जागरूक हो चुके हैं, वो भी जानते हैं कि जेनरिक मेडिसिन लेने से उनका मेडिसिन का खर्चा कम हो सकता है, तो क्यों वो ब्रांडेड मेडिसिन में जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक ब्रांड की जेनरिक आधार की, तो जब अर्जुन देशपांडे जी ने इस सोच के साथ की कि हम लोगों को शहर शहर और गांव-गांव सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी भी उनकी सोच से प्रभावित हुए और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और आज इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक इनकी फ्रेंचाइजी जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इतनी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में इन्होंने पूरी फ्रेंचाइजी लोगों को दी, ताकि वो सभी लोग जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट भी है वो भी इस बिजनेस में एंटर कर सके, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन स्टोर्स हैं वो भी जेनरिक आधार के बैनर तले अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इसके लिए उन्होंने सबसे खास बात क्या की,
दो चीजें होती हैं, एक है कंज्यूमर और दूसरा है फ्रेंचाइजी ओनर। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उनके लिए मेडिसिन का बिल कम करना, तो 80% तक का डिस्काउंट मिलता है जेनरिक आधार की मेडिसिन पर, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, अगर आप जेनरिक आधार के साथ जुड़ते हैं तो जो भी आपकी कॉस्टिंग होती है, जो भी आपकी बिलिंग होती है, उसके ऊपर 40% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, जो कि एक ह्यूज मार्जिन है। हम इस स्टोर के ओनर से बात भी करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने आखिरकार इसकी फ्रेंचाइजी क्यों ली, मार्केट में ब्रांडेड मेडिसिन पे क्या मिल रहा है, और साथ ही साथ जेनरिक आधार उनके लिए स्पेशल क्यों है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जेनरिक आधार की इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी अपने शहर में खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपके एरिए में 500 मीटर के रेडियस में कोई भी जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी 500 मीटर के रेडियस में कोई फ्रेंचाइजी है तो आपको जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी दोस्तों। दूसरा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी फीस है 1,00,000 रुपये की, लेकिन ये फ्रेंचाइजी फीस के बदले भी कंपनी आपको बहुत सारा सपोर्ट देती है। तो सबसे पहला सपोर्ट, आपका आउटर बोर्ड, आपका साइनेज बोर्ड कंपनी की तरफ से आता है, जो इसी फीस में इंक्लूड है। दूसरा, आपको 2000 पैम्पलेट्स मिलते हैं, टी शर्ट, डैंगलर्स, मार्केटिंग मटेरियल आपको मिलता है। साथ ही साथ आपको परचेज एंड सेल्स का पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है जो कंपनी आपको देती है, ये आपको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी आपको ये अथॉरिटी देती है कि आप इंटीरियर अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर कॉम्बिनेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और इतना ही नहीं, आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं की जाती है। तो ये यूएसपी है जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी की। अब यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, 1,00,000 रुपए की फ्रेंचाइजी फी, इसके बाद आपको पहला ऑर्डर करना पड़ता है जो मिनिमम 80,000 रुपीज का होता है, और उसके बाद के ऑर्डर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले 120 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा की शॉप होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है, और ड्रग लाइसेंस आसानी से किसी को भी मिल जाता है, और इसकी फॉर्मेलिटी के लिए भी आपको हेल्प कर दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पर आपको 40% का मार्जिन भी मिल रहा है, और इसी वजह से जेनरिक आधार इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 से ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई फ्रेंचाइजी है। अगर मैं फार्मा सेक्टर में बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है, जो आज छोटे छोटे गाँव तक पहुँच चुका है, और लोग इस बिजनेस को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे और भी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ दवाइयाँ, और साथ ही साथ मैं आपको मिलवाता हूँ गाजियाबाद के फ्रेंचाइजी ओनर संजय शर्मा जी से। इनसे भी कुछ बात करेंगे इस बिजनेस मॉडल के बारे में, और जानेंगे कि आखिरकार ये जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी मॉडल या बिजनेस मॉडल इतना खास क्यों है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं संजय शर्मा जी का। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, और ये स्टोर आपने कब शुरू किया? सर, मैं बेसिकली फार्मा फील्ड से ही हूँ। okay. और मेरा कैरियर फार्मा में ही रहा है 30-35 साल, और कैरियर मेरा जब एंड ऑफ द स्टेज था तो मैंने सोचा कुछ एक बिजनेस मॉडल के लिए। ठीक है। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर ए गुड बिजनेस मॉडल जो कि रिलेटेड हो मेडिसिन से ही, क्योंकि मेरा पैशन रहा है मेडिसिन। तो मैंने काफ़ी सर्च किया कौन सा बिजनेस मॉडल सही रहेगा। इवन ये इस टाइप के बिजनेस मॉडल्स में भी मैंने काफ़ी देखा, और लोग भी हैं कंप्यूटर, तो उसमें मैंने देखा कि ये जेनरिक आधार जो है वो बाकी जो बिजनेस मॉडल्स ये इस टाइप के दे रहे थे उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट्स दे रहे हैं। मतलब कि एक फार्मा बैकग्राउंड होते हुए, एक बहुत बड़ा मतलब फार्मा बैकग्राउंड होते हुए आपने जेनरिक आधार को चुना, तो आपको कुछ तो बहुत खास इसमें लगा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा, और क्या लोगों को आप बताएंगे इसके बारे में? देखिए, इनिशियली तो ज्वाइन करने के टाइम पे तो मुझे जो चीज़ें अपील की वो थी, एक तो प्रॉफिट मार्जिन, और दूसरा एक ट्रस्टेड नेम जो जुड़ा हुआ था इनके साथ रतन टाटा का, वो भी मुझे अपील किया। वो तो बाद में जब फ्रेंचाइजी लेने के बाद, मुझे 1 साल हो गया फ्रेंचाइजी, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद बाकी चीज़ें जब मुझे लगा कि हाँ, इनकी एक अच्छा क्वालिटी मेडिसिन है जो कि सब WHO प्लांट से हमें मिलती हैं। ओके। तो कभी हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, मार्केट कंप्लेंट नहीं है हमें। और दूसरा, एक सप्लाई चेन इनका बहुत अच्छा है, जो प्रॉपर टाइमली मेडिसिन हमें मिलती है। तो ये एक जो मैं बेनिफिट्स मैं बोलूं, या एक जेनरिक आधार के प्लस यूएसपी बोलूं, वो मुझे नज़र आई जो पिछले 1 साल के इनके साथ
डील करने में। बिल्कुल, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजी ओनर से आपको मैं मिलवा सकता था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस्मत से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो फार्मा का, इनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है। और सोचिए जब एक एक्सपीरियंस आदमी किसी ब्रांड के साथ जुड़ता है तो वो कितनी सारी चीज़ें सोच के जुड़ता होगा। तो यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको एक फार्मा का बैकग्राउंड है, आपका एक्सपीरियंस है, तो जेनरिक मेडिसिन आखिरकार होती क्या है? क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में हर किसी को इसकी पूरी जानकारी है नहीं, तो आपके जरिए मैं जानना चाहूँगा जेनरिक मेडिसिन आखिर क्या होती हैं सर? बेसिकली जेनरिक मेडिसिन मैं कहूँगा कि जो जो कि अब मेडिसिन जो है, एक मेडिसिन के जो जेनरिक नेम से सर हम लोग सेल करते हैं वो जेनरिक मेडिसिन है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के साथ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक पैरासीटामोल अगर मैं बोलूँ दैट इज अ जेनरिक नेम। ओके, और अगर वो ब्रांड नेम में हम बोलेंगे तो देर आर डिफरेंट ब्रांड नेम्स, मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम्स हैं, कालपोल होता है, क्रोसिन है या डोलो है, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे आते हैं या और मेडिसिन से जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से आती हैं। जेनरिक मेडिसिन है वो आपको जनरली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलती हैं। ठीक है, वो बेसिकली जो एमआर बताता है वही लिखते हैं, वो देते हैं। पर अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है, इवन मैंडेटरी किया है डॉक्टर्स को कि दे हैव टू मेंशन द जेनरिक नेम आल्सो। बिल्कुल, ब्रांड नेम लिखे उसके साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जेनरिक नेम लिखना उनको मैंडेटरी किया गया है। तो सर आपको एक साल चलाते हुए हो गया है, तो क्या ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो किया है साथ साथ में जेनरिक नेम लिखा होगा, तो कस्टमर्स ने आकर जो या फिर जो पेशेंट है उसने आकर आपसे बोला नहीं मुझे जेनरिक ही चाहिए, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, अक्सर होता है, जो मेरे पास कस्टमर आते हैं वो वही कस्टमर्स आते हैं इनको अवेयरनेस है कि डॉक्टर ने जेनरिक नेम लिखा है तो भी आएंगे, और नहीं भी लिखा होता है तो वो आके मेरे से बोलते हैं कि इस मेडिसिन का जो सब्सटीट्यूट है जो जेनरिक में जेनरिक में है वो मुझे आप दीजिए। तो लोगों को भरोसा हो रहा है यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर? हाँ, डेफिनेटली। और ये आने वाले टाइम में आई थिंक कमिंग 4 to 5 years ये दिस इज गोइंग टू रिप्लेस द ब्रांडेड मार्केट। तो अच्छा, हम ब्रांडेड मार्केट की भी जरा सी बात कर लेते हैं। एमआर पूरा प्रमोट करते हैं, डॉक्टर भी ब्रांडेड ही लिखते हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि ब्रांडेड में क्या मार्जिन रहता है? और ब्रांडेड में देखता हूँ डिस्काउंट्स ब्रांडेड भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या शॉपकीपर्स को, मेडिकल शॉप ओनर्स को क्या बचता है कुछ प्रॉफिट मार्जिन इसमें? नहीं, मैं तो आज की डेट में ये कहूँगा कि ब्रांडेड मेडिसिन बेचने से जस्ट एक चैरिटी है। अच्छा, अदरवाइज ब्रांडेड मेडिसिन में मुझे नहीं लगता कोई रिटेलर को मिलने वाला है। आज की डेट में जो ब्रांडेड मेडिसिन में मार्जिन जो है वो हमारे पास जो आता है वो करीब करीब फिगर्स में अगर मैं बोलूँ टेंटेटिव बोलूँगा 24% के आसपास आता है, जिसमें से कि 15% हम लोग 10 से 15% हम एक कस्टमर को ऑफर कर देते हैं हम लोग। तो आपके पास नेट जो है वो 8 से 10% का मार्जिन रहता है खाली, और जबकि जेनरिक आधार आपको 40% का मार्जिन देता है, और एक विदाउट एनी मतलब वो गारंटेड मार्जिन है, गारंटेड मार्जिन है कि आपकी सेल्स के ऊपर 40% मिलेगा ही मिलेगा। कस्टमर को जो डिस्काउंट दे रहा है वो सारा डिस्काउंट जेनरिक आधार दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो? नहीं, हम कोई मार्जिन नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद मतलब कस्टमर को तो 70-80% मिल ही रहा है। हाँ जी, और उसके अलावा 40% मार्जिन हमको आपको मिल रहा है। सो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जेनरिक आधार के अलावा आप किसी और मेडिकल शॉप्स में हैं तो वहाँ पर आपको जो भी मार्जिन आता है उसमें से डिस्काउंट्स आपको अपने पॉकेट से देना होता है, जबकि यहाँ पर डिस्काउंट्स आपको जेनरिक आधार दे रहा है। वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन आता है लो प्रॉफिट मार्जिन होता है, जबकि यहाँ पर आपको 40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ दवाइयाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं सस्ती सस्ती सस्ती, लेकिन क्या सही में दवाइयां सस्ती हैं? तो आप मुझे कुछ दवाइयां दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हाँ, कुछ आपको मैं दिखा देता हूं मैं। हाँ जी, जैसे टेलमिसार्टन है, ये किस चीज की दवाई होती है? नॉर्मली ये बीपी के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। हाँ, ये वाली, ये वाली ठीक है, ठीक है। ये जो बहुत पॉपुलर ब्रांड लीडर है आज का टेल्मा 40 आता है, इसका जो पहला ब्रांड है अगर मैं बोलूँ टेल्मा 40 आपको ग्लेनमार्क का है, जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट अराउंड MRP बोलूँ तो 222% के आसपास है। ठीक है, तो उसमें अगर डिस्काउंट भी देगा तो 200 रुपये का आ जाएगा। और ये जो अपनी जेनरिक की हमारी जो मेडिसिन है, हाँ जी, इसके प्राइसिंग हमारी आती है करीब 17-18 रुपये। अच्छा, तो बेसिकली ये जो आपको डिस्काउंट के बाद किसी और मेडिसिन की पड़ती है 200 रुपये, यहाँ पर 17-18 रुपये में आपको मिल जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 90% का डिस्काउंट हो गया। आप देखा जाए हाँ, टेंटेटिवली आप देखेंगे तो 90% का ब्रांडेड से यहाँ पर आपको 70-80% ही है, लेकिन आप ब्रांडेड से कंपेयर करेंगे तो आपको 80-90% की बचत इस मेडिसिन में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा सर कुछ और आप दिखाना चाहेंगे? इसके अलावा आपका एक मेडिसिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा, रोजोवास्टिटिन है। ये किस चीज़ की होती है सर? ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें एक मार्केट रोजोवास 20 करके आता है जो मार्केट में एक ब्रांडेड सन फार्मा का है, तो उसका MRP 380 रुपीज़ है, 380 रुपये है। हाँ,
ठीक है, और अगर डिस्काउंट करके भी आप मान के चलेंगे अगर आप, तो कम से कम 300 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट करेंगे सारे दे देंगे तो 300 में आ जाएगा। और ये हमारी जो आती है 25-20 रुपए की है। तो बेसिकली जो डिस्काउंट के बाद 380 रुपए एमआरपी होता है, अगर आपको ब्रांडेड में डिस्काउंट भी मिल जाएगा 310-320 रुपए की आएगी, लेकिन यहाँ पर 30 रुपए से कम में 25-20 रुपए में आपको ये दवाई मिल रही है। तो सोचिए कि आपको जेनरिक आधार की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है। कोई और सर इसके अलावा, जैसे अब गैस शुगर इनकी भी दवाइयाँ आती हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। गैस की अगर हम बात करें कि बहुत पॉपुलर जो मेडिसिन जो चलती है पेंटोसेक डीएसआर के नाम से मार्केट में सिप्ला की आती है, और उसकी टेंडेटिव कॉस्ट है मार्केट प्राइस है 110 रुपए की, 100 रुपए से ऊपर ही होती है, 100 रुपए से ऊपर है। हाँ जी, और एक जेनरिक आधार का ब्रांड है ये, ठीक है, और ये हमारी इसकी प्राइस है 25 रुपीस, 25 रुपए की एक स्ट्रिप है, और जिसको लेनी होती है डेली एक लेनी होती है बेसिकली, और महीने की अगर आप देखें तो इसके सेल हमारी मतलब आप मैं कहूँगा कि समझ लें डेली का ऑलमोस्ट एक बॉक्स हमारा एक बॉक्स डेली का निकल जाता है। और आप सोचिए आप डेली की एक लेंगे तो 250 रुपए तो केवल आपकी एक दवाई ये बचा देगी जो डेली का लेता है, तीन पत्ते महीने के लेगा, तीन पत्ते का मतलब है 250 रुपए की आपकी सीधी सीधी बचत हो गई है। तो ये पावर है जेनरिक आधार की। इसके अलावा सर कुछ और आप बताना चाहेंगे? एक और मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल, मल्टीविटामिन आजकल जो है जब से कोविड हुआ है उसके बाद से लोग कोविड के बाद से मल्टीविटामिन्स लोग लेने लगे हैं, इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ एक लेते हैं। हाँ जी, अब ये आप ये जितना इसमें मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स है इसमें, अगर ये आप मार्केट में कोई लेने जाएंगे तो दिस विल कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़, 400 रुपये से कम ये आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता बिल्कुल। हाँ, और जेनरिक आधार का जो ये ब्रांड है स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य फिट 11G के नाम से है, ये आपको 73 रुपीज़ का मिलता है। मतलब आप सोचिए जो आपको मार्केट में 300-400-500 रुपये का मिलता है वो यहाँ पर आपको 73 रुपीज़ का मिल रहा है स्वास्थ्य फिट 11G के नाम से मल्टी विटामिन। ठीक है, और आप कुछ बताना चाह रहे थे आप? और बाकी एक और मैं एक बताता हूँ आपको, ये बहुत ऑगमेंटिन आता है जो एंटीबायोटिक है, जो बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड। हाँ जी, तो वो अराउंड 200 रुपीज़ की एक स्ट्रिप आती है जो मार्केट में। हाँ जी, और जेनरिक आधार का ये जो प्रोडक्ट है, हाँ जी, ये करीब 110 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पर भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 50%। तो इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके ऊपर जेनरिक आधार का डिस्काउंट कितने से कितने तक का रहता है सर? ये आप मिनिमम मान के चलिए तो आपको ऑलमोस्ट 40% से लेकर 90% तक जाता है। बिल्कुल, हमने दिखाया जैसे कि, तो 40% से लेकर 90% तक की बचत ग्राहक की हो गई। बिल्कुल, और 40% का मार्जिन आपका हो गया हमारा है। तो ये पावर है जेनरिक आधार की, और इसी वजह से गांव-गांव तक और हर जगह जेनरिक आधार की स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। तो संजय जी, जब मैं इस दुकान में आया मैंने देखा कुछ कस्टमर्स थे और वो बड़े हैप्पी थे, और जेनरिक मेडिसिन की वजह से हैप्पी थे, क्या क्या था, क्या रिस्पॉन्स रहता है ग्राहकों का, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोई भी आदमी जिसकी जेब से, हाँ, अगर जो मेडिसिन वो लेता रहा होगा 1000 रुपये की, आज वो 200 रुपये की उसको मिल जाती है, तो डेफिनेटली वो आदमी खुश मिलेगा आपको। बिल्कुल, तो ये एक स्वाभाविक सा है कि भाई कोई भी आदमी, बेसिकली मेडिसिन जो है इट इज़ अ नेसेसिटी, इट्स नॉट ए लग्जरी। बिल्कुल, जो जरूरत है दिखाना नहीं है कि मैंने भी ब्रांडेड कपड़ा पहना हुआ है, ये पहना हुआ, वो आपको दिखाना नहीं। अगर मेरे को वही मेडिसिन जो है मुझे क्योर कर रही है 200 रुपये में, मैं क्यों 1000 रुपये की मेडिसिन लूँगा? हाँ जी, और बाई लॉ अगर हम कहें, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि एक लॉबी भी है ब्रांडेड मेडिसिन की, नहीं साहब जेनरिक मेडिसिन ठीक नहीं होती हैं, ये नहीं होती है। बाई लॉ आप जो है जेनरिक हो चाहे वो ब्रांडेड हो, उस किसी भी मेडिसिन में आप मेडिसिन कम नहीं डाल सकते, इट इज़ ए नॉन अवेलेबल ऑफेंस। ओके, तो ये एक मिथ है जो फैलाया जाता है, वो लॉबी जो है एक 90% वाली, वो ठीक है, हर किसी को अपना बिजनेस चलाना है, अपना बिजनेस चलाना होता है। तो बट एज ए फार्मा पर्सन, जो कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम किया हुआ है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन जो है वो जेनरिक होगी या ब्रांडेड होगी, उसमें आपको ड्रग की क्वांटिटी कभी कम नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल, वो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग चेक्स से निकलती है। बिल्कुल, वो क्वालिटी चेक्स होते हैं। हाँ, और इवन अपना जेनरिक आधार का अपना एक क्वालिटी कंट्रोल है। हाँ जी, जो कि डिफरेंट लेवल पे चेक करता है, तो फाइनली जो मेडिसिन हमारे पास आती है वो कम्प्लीटली क्वालिटी कंट्रोल। तो बेसिकली लास्टली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने चूंकि इसकी फ्रेंचाइजी ली और एक साल में आपने बहुत सारे ग्राहकों से बातचीत करी होगी, और कंपनी बेसिकली जब नई नई लेते हैं उस समय तो चलो ठीक है, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन साल भर के अंदर तो पता चल जाता है कि ब्रांड कैसा है, कंपनी कैसी है, सपोर्ट कैसा है। तो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपको इस कंपनी के बारे में एक साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा, साथ ही साथ ग्राहकों के साथ आपको क्या एक्सपीरियंस रहा?
नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जैनिक आधार की बात करूँगा तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ, और मुझे पूरा कंपनी से सपोर्ट भी मिला। सपोर्ट इन द सेंस, हमें तो बेसिकली सपोर्ट के नाम पे अगर हम बोले तो हमें एज ए रिटेल फ्रेंचाइजी हमें रेगुलर सप्लाई और मेडिसिन चाहिए होता है, जो कि हमें रेगुलर टाइम पे मिला, और क्वालिटी मेडिसिन चाहिए होता है बिल्कुल, तो जो हमें टाइमली हमें मिला। तो जिस, और दूसरा ये है कि जो एक डेफिनेटली वो एड ऑन होता है कि जो डायनेमिक लीडरशिप है जैनिक आधार की, यंग ब्लड है जो कि प्रमोट भी कर रहे हैं जैनिक मेडिसिन को, दैट ऑल्सो हैज हेल्प्ड अस बिल्कुल, जिससे कि हमारी सेल, हाँ जो मीडिया पब्लिसिटी होती है उनसे भी आपको ब्रांड अवेयरनेस भी बिल्कुल, इसकी वजह से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जेनरिक मेडिसिन के बारे में, जेनरिक आधार के बारे में? मैं तो दर्शकों से यही मेरा कहना है कि जेनरिक मेडिसिन की तरफ उनको जाना चाहिए, और व्हेन वी से जेनरिक मेडिसिन तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में जेनरिक मेडिसिन में आ गए हैं, हाँ जी, जो देखते हुए क्योंकि कि आप जेनरिक का एक अवेयरनेस आ गई है, हाँ जी बिल्कुल, पर उसमें मेरा लोगों को यही सलाह है कि भाई जेनरिक मेडिसिन में भी आप क्वालिटी मेडिसिन जो लोग दे रहे हैं आप वहीं जाएँ बिल्कुल। तो एक जेनरिक आधार एक ऐसा ब्रांड है, मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर आपको एक You can be rest assured of the quality. बिल्कुल, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको सही प्राइसिंग के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों आज मैंने आपको मिलवाया संजय जी से, जो कि गाजियाबाद जेनरिक आधार के फ्रेंचाइजी ओनर है। उन्होंने ना कि आपको मेडिसिन दिखाई बल्कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में भी बहुत कुछ बताया। दोस्तों जेनरिक मेडिसिन आपके पैसों की बचत तो करता ही करता है, साथ ही साथ जब आप जेनरिक आधार के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो आप अपने शहर में अगर जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अर्जुन देशपांडे, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पर आपको ग्राहकों का भी फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ 40% का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा है, कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, और किसी भी बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि जेनरिक आधार का बहुत ही अच्छा है, और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आज जेनरिक आधार गाँव तक पहुँच चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनकी फ्रेंचाइजीज ओपन हो चुकी हैं, और अगर आपके आसपास इनकी फ्रेंचाइजी नहीं है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी इस क्रांति में जुड़ सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन की क्रांति में, विद जेनरिक आधार, विद द डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ अर्जुन देशपांडे जी, जिनको की सपोर्ट मिला हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी का, और आज इस ब्रांड को बच्चा बच्चा जानता है, और साथ ही साथ जेनरिक मेडिसिन को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और आने वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है, डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, स्क्रीन पर भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, लोगों को बताइए इस बिज़नेस के बारे में, लोगों को अवेयर करिए, और अगर आपके आसपास जेनरिक आधार की कोई स्टोर है तो वहाँ पर जाकर एक बार मेडिसिन परचेज करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे नई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज के साथ। मैं हूँ आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। जय हिंद, जय भारत।